पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन जमीन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ये तस्वीरें छतरपुर से सामने आई, जहां जिला अस्पताल में एलटीटी ऑपरेशन के दौरान नसबंदी में महिलाओं के साथ भारी लापरवाही बरती गई। यहां पर एलटीटी ऑपरेशन कराने आई महिलाओं को ताला लगाकर चैनल के अंदर रखा गया, वहीं उनके परिजनों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बच्चों के रोने पर भी उन्हें माँ से मिलने इंतजार करना पड़ा। उन्हें चैनल के बीच छोटी सी जगह से किसी तरह अंदर ले जाया गया। दूसरी तरफ यहां ऑपरेशन के बाद महिलाओं को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो पाया। लापरवाही की हद तो यह है कि जब स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं आते और बिना स्ट्रेचर के ही परिजनों द्वारा अपने हाथों से उठाकर ऑपरेशन के बाद महिलाओं को बाहर लाया जा रहा है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अपनी लापरवाही छुपाने चैनल में ताला डालकर अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? माया। कहाँ से आई हैं आप? क्वाटा दही लखा से। किसकी ऑपरेशन किसका हुआ है और कैसे लेके? सुमन नंदा ऑपरेशन। कैसे लेके आई हैं आप? डंगा डोली लेके आए सास बहू, जल्दी जाने तो ले आए। व्यवस्था नहीं है क्या कोई? व्यवस्था ही दिखाती हूँ कुछ व्यवस्था ना थी कछु सो उठा लो। मामले में सीएमएचओ विजय पैथोरिया से बात की तो उनका कहना था कि ऑपरेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और सभी तरह की व्यवस्थाएं मुहैया हैं। इसमें हमने सभी व्यवस्थाएं करके रखी हैं, जो हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है उसमें सभी महिलाओं को जितनी सुविधा दे सकते हैं सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। पूरी तरह से हमारे पास सर्जन ट्रेन सर्जन है, बेल एप की ओटी है, सभी तरह की दवाइयाँ हैं, सब कुछ है हमारे पास। किसी को लॉक करके नहीं रखा गया है ना। जो भी आया है अपने घर से आया है उसको पूरा ऑपरेशन करके उसको बाकायदा छोड़ा भी गया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि लॉक करके लॉक किया गया है। अगर किसी को होगा हो सकता तो हो सकता है अवस्था को ज़्यादा कम करने भीड़ को कम करने के लिए थोड़ा देर कर लिया, बाकी ऐसी कुछ नहीं है। सर बच्चे बाहर तड़पते हैं? किसी बच्चे तड़पते नहीं है, माँ के साथ बच्चा है। बच्चे को अंदर किया है माँ? किसी के भी बच्चे माँ अकेली नहीं आती है, एलटीटी कराने के उसके साथ कोई ना कोई परिजन आता है। अब जिसका ऑपरेशन होना है उसके बच्चा कैसे रह सकता है? जिस महिला का एलटीटी होना है उस बच्चे उसका परिजन बच्चे कैसे रह सकते हैं? तो उसके बाद परिजनों के पास बच्चे रहेंगे। सर बच्चा भूखा था इसलिए उसे चैनल के माध्यम से मेरे कहने का मतलब ये है, जब महिला ऑपरेशन कराने आई है तो वो महिला अकेली ही ऑपरेशन की जाएगी और उसके जो परिजन है वो बच्चे को संभालेंगे। और ऐसा नहीं है कि इतना कोई निर्दयी नहीं है, मतलब कि उसको ऐसा करे, वो एक आध दो घंटे व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सर जब ऑपरेशन के बाद महिलाओं को देखा गया तो उन्हें डंगा डोली लेकर के उनके परिजन लेकर के आए हैं और स्ट्रेचर के हमारे पास सभी प्रकार की व्यवस्था है। हाथों पर उठा कर लेकर सभी तरह की व्यवस्था है, हम लोग को बाकायदा टाइम देते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को कभी कोई जल्दी रहती है या कोई पेशेंट जल्दी जाना चाहे तो वो ऐसा अपने मन से करता है। हमारी तरफ से कोई ऐसी निर्देश नहीं है, ना हम चाहते हैं कि कोई किसी को डंगा डोली कर ले जाए। हमने फिर से कहा है आपसे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं निर्देशित किया कि कैसे करके जाए, पूरी व्यवस्था बना के रखी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो जल्दबाजी चक्कर में वो टाइम हो गया करके वो लोग जाते हैं और अपनी इस तरह की व्यवस्था करते हैं। उसके लिए हमारे तरफ से कोई निर्देश नहीं। मीडिया को अनुमति है, मीडिया अपनी जो है वो सक्षम से बात कर सकती है। अब मीडिया ओटी में जाए क्या करेगा? ओटी में नहीं सर, ओटी के बाहर की बात कर रहा हूँ। हाँ ओटी के बाहर रह सकते हो आप, है ना, लेकिन आपको जो बाइट चाहिए रहेगी आपको, आप वहाँ पर सक्षम अधिकारी उससे आप बाइट लीजिए। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये तस्वीरें ही सारी हकीकत बयां कर रही हैं। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल, सागर टीवी न्यूज। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।